मीडिया वाले जड़े खास तौर पर दिल्ली वाले है वो साडे लफ्ज़ां नूं साडे लफ्ज़ां दे अर्थां नूं जड़ा वो जानदे। मैं नेता नाल गल हुई, मैं उन्हूं कहा तुसीं साडे भाषा साडे शब्दां नूं समझदे नहीं। कल नूं असीं ये कहता भी भाई सिखां ने चाह नहीं पीनी समुंदर पीना, तो तुसीं कहते हुण जड़े पोर्ट है उत्ते फौज ना तैनात कर दिओ भी सिख समुंदर पीण आ रहे। ये साडे शब्द है चढ़दी कला वाले, इनू तुसी नहीं समझ सकते, इनू असी समझ सकते हैं। ये साढ़े चढ़ती कला के बोले है, ये साढ़े आई बोले जड़े आ वह गजते रहेंगे, ये बोले साढ़े जड़े है इस तरह जड़े है वह मौजूद रहेंगे। असी सरकार के नाल कोई विवाद नहीं चाहते, सानू पता है विवाद के नाल मसले हल नहीं होंगे, संवाद के नाल मसले हल होंगे है। असी संवाद चाहते हैं, आओ बैठो साढ़े नाल संवाद करो, असी बैठने लिए तैयार हैं। आ गंगवी राठौर ने कहा कि जे नागियां नाल बह सकते हो कश्मीरियां नाल बह सकते हो तो साढ़े तो शर्म आउंदी है, असी जेठ लगते हो तुहाडे, साढ़े नाल नहीं बैठ सकते, तुसी साढ़े नाल बैठो, सानू पुछो वड्डे भराओ सानू पुछो आके कि तुसी भाई छोटे हो की तकलीफ है तुहानू। 75 साल हो गए, 75 साल, इन्हां 75 सालों के 75 कमिटमेंट्स जिहड़ियां ने वो भारत सरकार ने कीतियां सिखां दे नाल, और हैरानी की गल है कि एक भी पूरी नहीं की। डाटा है साढ़े कोले कि 75 किस्म दियां जिहड़ियां ने कमिटमेंटा वादे जिहड़े ने वो साढ़े नाल होए ने, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। असी फिर भी चुप हैं, सानू फिर भी वक्खवादी, फिर भी अतवादी कहा जा रहा, किन्ना चिर ये चलूगा। बिल्कुल सही गल है, असी बोलांगे जे पंजाब दे विच साडी आवाज़ दबोगे, असी हरियाणे तो बोलांगे हरियाणवी बन के बोलांगे, असी बंगाल तो बंगाली बन के बोलांगे, असी महाराष्ट्र तो मराठे बन के बोलांगे, असी USA तो बोलांगे, असी इंग्लैंड तो बोलांगे, असी आस्ट्रेलिया तो बोलांगे, असी बोलते रहांगे, साडी आवाज़ नूं तुसी दबा नहीं सकते, तुसी बिल्कुल भी साडी आवाज़ नूं नप नहीं सकते। मैं जिन्हें भी इत्थे नौजवान खास तौर दे उत्ते, क्योंकि नौजवानों दे विच काम करन दी बड़ी रुचि और समर्था होंदी है, असी चाहुंदे आ कि जिहड़ा एंटी सिख फोबिया या पंजाब फोबिया ये दिखाया जा रहा है, इनू क्रैक करन वास्ते असी एक ट्रैकिंग सिख फोबिया पंजाब फोबिया जड़ा है एक इस तरह का संगठन जड़ा है वह गठित करिए, इस नाम का इनू ट्रैक करन वास्ते और इनू क्रैक करन वास्ते कि जो भी साढ़े खिलाफ़ झूठिया खबरां जड़िया ने वो प्रसारित कीतियां जांदियां ने, इनू तोड़न वास्ते असी एक ऐसा मजबूत ग्रुप जड़ा है वह कायम करांगे। जिहड़े भी पत्रकार अज इत्थे पहुंचे है, जे जिहड़े नहीं भी पहुंच सके है, कईआं दीआं मजबूरियां फोन आए है नहीं पहुंच सके है, उन्हां दे नंबर ने साडे कोले, असी उन्हां नाल संपर्क करांगे, और मैनूं उम्मीद है कि पत्रकार भाईचारा जिहड़ा है वह इस ग्रुप दे राहीं साडा जिहड़ा है वह सहयोग करेगा। असी बिल्कुल जिहड़ा बिरतांत सिरजिआ जा रिहा है खास तौर पर पंजाब दे प्रति सिखां दे प्रति, असी उस बिरतांत नूं जिहड़ा है वह तोड़ांगे। जिहड़े बरतांत नूं तोड़न वाले चैनल सी उन्हां ते तां तुसीं पाबंदी लगा दित्ती है, हुण असीं पिंड पिंड तों घर घर तों असीं जिहड़ा इस बरतांत नूं तोड़न वास्ते यतनशील होवांगे, और एक दूसरे नाल जिहड़ा है वह मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के तुरांगे। आउण वाले कुछ दिनां दे विच विसाखी दा पर्व है, बहुत वड्डा पर्व है, इत्थे असीं मनाउणा है, ते विसाखी तों बाद असीं जिहड़े नौजवान पत्रकार जां जिहड़े सियाणे पत्रकार है, क्योंकि इन्हों का बड़ा वड्डा तजर्बा है, सरदार जसपाल सिंह जी बैठे ने बड़े एक्सपीरियंस है, सरदार हमीर सिंह जी मानक साहब बैठे ने बड़ा इन्हों का एक्सपीरियंस है, असी इन्हों के एक्सपीरियंस का लाभ भी लवेंगे, और नौजवानों की जिहड़ी ताकत है असी इहदा भी जिहड़ा है वह लाभ लवेंगे। असी ऐसा एक ग्रुप ऐसा एक हाउस जिहड़ा वह कायम करांगे आने वाले दिनों दे विच, जिहड़ा कि साढ़े खिलाफ सिरजे जा रहे बिरतांत नूं तोड़न का कार्य करेगा। मैं फिर कह दा पंजाब सरकार नूं, फिर इस मंच तो असी कहना चाहुंदे हां कि ये जिहड़ी सख्ती कीती है या जिहड़ा ये पैनिक क्रिएट कीती जा रही है, इस नूं जिहड़ा है वो खत्म करे। विसाखी है, इत्थे संगतां ने आउणा हुंदा है,
और असी तो हर साल ही देखते हैं 7 तरीक नूं इत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ हो जाता है, 5 तरीक तो इकट्ठ होना शुरू हो जाता है, लेकिन संगत की गिणती जिहड़ी है वह 10% है। कारण की है? कारण यह है कि हुकूमत ने पैनिक क्रिएट किया। पहला हुण कहा कि अमृतपाल सिंह इत्थे गिरफ्तारी देगा, हुण कहन लग जाणगे विसाखी वाले दिन गिरफ्तारी देगा जी, तो उहदे नां दे उत्ते जिहड़ा है वह एक पैनिक क्रिएट करन दा जिहड़ा यतन जिहड़ा है वह किया जाऊगा। इस तों सरकार जिहड़ी है वह ग्रेज़ करे, सरकार नूं इह चीज़ां चंगीआं नहीं लगदियां, सरकार का भी अक्स खराब हुंदा है। सरकार नूं खास तौर पर मैं पंजाब सरकार नूं कहना चाहुंदा है कि जो तुसीं इस तरह का माहौल सिरजदे हो ना, तो पंजाबियों का अक्स खराब नहीं हुंदा, पंजाब का अक्स खराब नहीं हुंदा, पंजाब दे विच रूल कर रही सरकार का अक्स भी खराब हुंदा। घट्टो घट्ट आपका अक्स तो बचा लो, अपना अक्स तो बचाओ, तुसीं तां घट्टो घट्ट इस तरह का जिहड़ा है वह वरतांत जिहड़ा है वह सिरजन दे विच सहयोग ना दिओ। पंजाब दे विच रूल कर रहे हो, पुलिस वालियां दीआं विचारियां दीआं छुट्टियां कैंसल करतीआं, कहिंदे कोई भी पुलिस मुलाजम छुट्टी ते नहीं जा सकदा, सब नूं दमदमा साहब भेज दित्ता गया। वी की होणा इत्थे बई, हर साल ही संगत आउंदी है विसाखी मनाउण वास्ते, इस बार भी आ रही, तो संगत नूं आउण दिओ, संगत नूं मत्था टेकण दिओ। ये खालसे का साजना दिवस है और खालसे का साजना दिवस जिहड़ा है इहनूं श्रद्धा उत्साह दे नाल जिहड़ा है वह मनाउण दिओ। मैं उम्मीद करदा अंत दे विच अपने सारे पत्रकार, मैं उम्मीद करदा अपने सारे पत्रकार वीरां तों कि वह साडा सहयोग जिहड़ा वह देणगे और असी इस तरह ही पत्रकारां दे नाल खड़ांगे। पत्रकारां दीआं एकत्रतावां सैमीनार जिवें कहा सी विचार इत्थे कि सैमीनार होने चाहिए, हेरां साहब ने मेरे ख्याल कहा तो बहुत वधिया विचार है, असी इस तरह जिहड़ा सैमीनारां दे नाँ ते मीटिंगां दे नाँ दे उत्ते कॉन्फ्रेंसां दे नाम दे उत्ते असी जिहड़ा है वह इकट्ठे हुंदे रहांगे और अकाल तख्त साहब जिहड़ा इस कार्ज दे विच तुहाडा जिहड़ा है वह साथ दिंदा रहेगा। वीर ने इत्थों कई गल, असी 27 तरीक नूं जिहड़ी अकाल तख्त साहब ते मीटिंग सद्दी सी उहदे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कहा सी भी जिन्हां ने गलत खबरां फैलाईआं ने जां जिहड़े पुलिस अधिकारियां ने सिख राज दे झंडियां नूं खालिस्तान के झंडे कह के जिहड़ा है वह बदनाम किया है, उन्हां दे खिलाफ़ जिहड़े है वह परचे दर्ज कराए जाण, मुकदमे जिहड़े है उन्हां दे खिलाफ़ जिहड़े है वह किए जाण। मैनूं इस गल दा गिला है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पासे कोई सार्थक कदम नहीं चुकया है, जबकि चुकना चाहिए सी। फोन आने लग गए सी सानू कि छड्डो खैड़ा जी, छड्डो खैड़ा जी, और बहुत किया कि छड्डना नहीं है खैड़ा, तुसीं परचे दर्ज कराओ, लेकिन नहीं कराए। ये मैं समझदा कि मंदभागा वर्तारा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तख्त श्री दमदमा साहब की धरती तो फिर आदेश ही दिता जाता है अज के इस इकट्ठ वालों कि परचे जिहड़े इन्हां दे खिलाफ जरूर दर्ज कराए जाण, ताकि कोई भी जिहड़ा है वो सिखां नूं बदनाम करन दा जां पंजाबियों नूं बदनाम करन दा यतन जिहड़ा है वह ना कर सके। मैं अंत दे विच इक वारी फिर धन्नवाद करदा जिहड़े चैनल बंद कीते ने सरकार ने, वो असी चैनल हर हालत जिहड़ा है वह चालू करवाउण दे लई यतन करांगे और सरकार नूं भी अपील करदे हां कि ये चैनल तुरंत जिहड़े है वह चालू किए जाण, ते ये जिहड़े बंद चैनल ने असी इन्हां चैनलों के बिल्कुल नाल खड़े हैं और नाल खड़दे रहांगे। मैं एक बारी फिर सारयां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा और नाल ही अपील है कि इत्थे ही आपां ने लंगर पानी भी छक के जाना है क्योंकि दूरों दूरों आए। बहुत ही ज्यादा ये मंदभागी वर्तारा है, ये वर्तारिया तो ग्रेज करना चाहिए जी। ये लिखा जी ऑपरेशन अमृतपाल विचाले जथेदार, मेरी स्पीच लाइव चल रही है इस चैनल तो, और हैडिंग है अमृतपाल ऑपरेशन के विचाले आज तक न्यूज़ 18 चैनल ना, इस तरह करो यार ना, मतलब फेक जड़ियाँ इतने अमृतपाल कितने हैगा, तो इस तरह दियाँ ना जड़ियाँ वो स्टोरियाँ चलाओ, इस तरह का ना जड़ा वो मैसेज क्रिएट करो, असी इसे क्रैक करने वास्ते अज की जी एकत्रता सदी है। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े डॉक्टर साहब जड़े ने अंत धन्यवाद करे और नाल ही जिहड़ा लंगर पानी छक के जाने की कृपालता करनी। शांति बनाओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उद्धव वीरे सारे नूं बेनती है जी, इस तरह एक मिनट मेरी बेनती है जी, मेरी बेनती है एक मिनट वास्ते सारे इस तरह सजे रहना।
एक गल याद रखना, इतों वाले पत्रकारों ने अपनी ड्यूटी की, उन्होंने नौकरी है, उन्होंने कोई कसूर नहीं है। ये न्यूज़ टेबल तो उन्होंने न्यूज़ चैनल की पॉलिसी का असी जिक्र किया, कृपा करके उस न्यूज़ चैनल के पत्रकार जोड़े वीर इतने साढ़े आए ने वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। उन्होंने